अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, आज हम लोगों ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और यही वाला लेसन जो है वो आपकी असेसमेंट पे इंक्लूडेड है, तो काइंडली आप लोग साथ साथ जो है ये अपना सारा काम करते जाएं। हु हेल्प्ड जैन टू गेट सेटल्ड इन हिज न्यू स्कूल, किसने जो है वो जैन की मदद की थी उसके नए स्कूल में सेटल होने के लिए, मतलब अब उसके नए स्कूल में जो है एडजस्ट होने के लिए किसने जो है उसकी मदद की थी। मिस्टर वासिफ जो कि उसके टीचर थे। व्हाट वाज जैन्स फादर वेयरिंग व्हेन ही केम टू स्कूल, जैन के फादर ने वालिद ने क्या पहना हुआ था, वेयरिंग पहना हुआ जब वो स्कूल आए। ही वेयर्स शलवार एंड कमीज़, ठीक है ना, शलवार कमीज पहनी हुई थी ना उन्होंने। व्हाट डिड जैन्स फादर ऑफर टू स्कूल, जैन के फादर ने स्कूल को क्या ऑफर की, क्या पेशकश की, ऑफर का मीनिंग है पेशकश। वेयर वर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इनवाइटेड, तालिब इलम और टीचर्स को कहाँ पर दावत दी गई, इनवाइटेड का मतलब है दावत देना, ठीक है। Do you think such stories take place in real life, आपके ख्याल से जो है इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, जो इस तरह की स्टोरीज होती हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, रियल लाइफ में आती हैं, काम आती हैं या रियल लाइफ में होती हैं। आपने इनके अब आंसर क्वेश्चंस आपके 8 कंप्लीट हो गए और ये आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। टिक द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, जैन्स एक्सप्रेशंस चेंज्ड बिकॉज He did not want his teacher and classmate meet his father. All parents were invited to, क्या किस लिए उनके parents invite किए गए थे, see their children playing hockey match, hockey match था, ठीक है, football match भी नहीं था ना तो cricket match था। Jan came to school in the city from a rural background. रूलर बोलते हैं गांव के, ठीक है, विलेज को। नेक्स्ट है बेटा, जैन टोल्ड हिज फादर, सॉरी, जैन टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट हिज फादर वाज, उसने अब वहाँ पर कोई आर्ग्यू किया था कि मेरे वालिद जो हैं वो नहीं आ सकते, या तो वो बीमार हैं, आउट ऑफ टाउन है, या क्वाइट बिजी हैं। तो उसने उनको बताया कि क्वाइट बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मेरे वालिद नहीं आ सकते। On the match day, Jan was the first boy to arrive at school. और ये बात हम लोगों ने अपनी रीडिंग में की है कि जैन ही फर्स्ट वो स्टूडेंट था जो स्कूल में जो है वो सबसे पहले आया था। After the match was over, Jan's father offered to, किस चीज़ के लिए उन्होंने पेशकश की थी, maintain the school playground, ठीक है, कि playground को जो है वो सही मेंटेन करेंगे। जैन फेल्ट प्राउड ऑफ हिज फादर बिकॉज हिज फादर ऑलवेज डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम, और उनके वालिद जो है हमेशा सही वक्त पर सही काम करते थे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है कॉलम, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें है मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी, ठीक है, इसको जो है सेम मीनिंग्स में आप लोगों ने मैच करना है और ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो आप लोगों ने जो है ना श्योर, डेफिनेटली, ट्रू, ओके, रिफ्रेशमेंट, फूड एंड ड्रिंक, टेक रिफ्रेशेज, रिसेंटली का मतलब होता है कि अभी अभी जो काम हुआ वो, ठीक है, हैपन्ड नॉट लॉन्ग एगो, मतलब वो काम होना जो कि ज़्यादा देर पहले ना हुआ हो। नियर बाय, नॉट वेरी फार, नियर का मतलब होता है करीब, तो ये देखिए नॉट वेरी फार अवे, मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं है। हैंडकरचीफ, इसका मतलब है अब क्लॉथ यूज टू क्लीन द एरिया ऑफ फेस, ठीक है। लाफ्टर, अ साउंड ऑफ एक्ट लाफिंग, मतलब ऊंची आवाज़ में हंसना।
corridor. कॉरिडोर का मतलब है पासिंग इन साइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग में से जो गुजरने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको यहाँ तक प्रिपेयर करना है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना बुक वर्क करेंगे और असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले पहले ये हमारा लेसन फ्रेश हमारा होगा, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।